ਜੀ ਅਕਾਲ ਜੱਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇਫ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੈਨਿਕਨ ਕੀ, 8 ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਲੈਣਾ। ਅਬ ਵੋ ਬਾਤ ਕਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਬ ਲੈਣਾ ਫਾਈਨਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। आज आपको इस वीडियो में बताया गया कि कौन कौन सी कंट्री ने अपनी इंडिया में एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दी, अपॉइंटमेंट स्लॉट ओपन कर दिया है, वो बहुत सारी सिटी में अपॉइंटमेंट स्लॉट ओपन कर दिया है। तो आज आपको फुल इन्फॉर्मेशन देके इसके बारे, जिसका शैनिकन का ड्रीम है जाना, जो घूमने के लिए जाना चाहता है या अपनी स्टडी करने जाना चाहता है या कोई वहां पे वर्क करने जाना चाहता है, तो सब कैटेगरी के लिए अब फाइनली ओपन कर दी गई है। बात करें दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बहुत सारी सिटी में फाइनली स्टार्ट हो चुकी है ऑल कैटेगरी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम आए तो जस्सी पंजाबी के चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि डेली बेस में आपको अपडेट मिलती रहेगी गाइस। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रांस के लिए, तो फ्रांस ने फाइनली ऑल कैटेगरी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उनकी एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी कोविशील्ड की दोनों डोज आपकी लगी होनी चाहिए, आपने वीजा अप्लाई करना है और सारी कैटेगरी वीजा वो ऑलरेडी ओपन है, उसकी अपॉइंटमेंट स्लॉट भी ओपन, तो आपने दोनों वैक्सीन डोज लगवा रखे हैं, तो डेफिनेटली फ्रांस का वीजा आप अप्लाई कर सकते हो गाइस, और अगस्त मंथ में इसकी अपॉइंटमेंट भी मिल रही है। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे स्वीडन के लिए, तो स्वीडन की भी ऑल कैटेगरी वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है। स्वीडन की सबसे अच्छी बात है, आपने वैक्सीन डोज नहीं भी लगवाए तो वीजा लगवा सकते हो और उनको कह सकते हो कि हाँ डेफिनेटली मेरा वीजा आ जाएगा, जब मैं ट्रेवल करूंगा तो वैक्सीन लगा के करूँ, उनको पूरी शॉर्ट ही दोगे तो डेफिनेटली फिर वीजा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और विदाउट वैक्सीनेशन भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हो स्वीडन का गाइड। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा स्विट्जरलैंड के लिए, तो स्विट्जरलैंड के लिए भी ऑल कैटेगरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है और स्विट्जरलैंड की भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, अभी आपने वीजा अप्लाई करना आप कर सकते हो, लेकिन जब आप ट्रेवल करोगे तो वैक्सीन लगी होनी चाहिए गाइस। तो ये स्विट्जरलैंड की अपडेट है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फर्स्ट डोज भी लगा हुआ है तो आप स्वीडन भी अप्लाई कर सकते हो, स्विट्जरलैंड भी अप्लाई कर सकते हो, और कोई डोज नहीं भी लगा हुआ डेफिनेटली आप कवरिंग लेटर पे मेंशन कर देना, जब मैं ट्रेवल करूंगा तो वैक्सीन दोनों डोज लगवा के करूंगा, अभी मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो वो बिल्कुल कर सकते हो गाइस, स्विट्जरलैंड और स्वीडन का आपने वीजा लगवाना है तो गाइस। और ऑल कैटेगरीज का ओपन है मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और बहुत सारी सिटीज में अपनी एप्लीकेशन ये एक्सेप्ट कर रहा है, अपॉइंटमेंट स्लॉट इसके ऑनलाइन ओपन है, आपको अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प की जरूरत होगी डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग तो डेफिनेटली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना गाइज। और इसके अलावा नेक्स्ट नाम है डेनमार्क के लिए, तो फाइनली डेनमार्क ने भी अपनी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दी है। ऑल कैटेगरी, सी कैटेगरी की बात करें, डी कैटेगरी की बात करें, ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी उसने ओपन कर दी, तो टूरिस्ट वीजा भी साथ में उन्होंने ओपन कर दिया, जिन्होंने डेनमार्क जाना, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री और ये शैनिकन में आती है, तो डेनमार्क ने भी अपनी अपॉइंटमेंट का स्लॉट ओपन कर दिया गाइस। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करेगा स्पेन के लिए, तो स्पेन ने भी फाइनली अपनी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दी है, तो आज से वो अपनी एप्लीकेशन लेगा गाइस, जिन्होंने स्पेन जाना है तो फाइनली उनका ड्रीम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन का पुर्तगाल ड्रीम है, तो पुर्तगाल का बॉर्डर लगता है स्पेन के साथ, आप स्पेन का वीजा लेके आप पुर्तगाल भी जा सकते हो, आपके पास शैनिगन वीजा है तो गाइस। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्वे के लिए, तो नॉर्वे ने भी अपनी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दी है, ये भी शैनिगन कंट्री में आती है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है गाइस। तो नॉर्वे की सी कैटेगरी की बात करें, डी कैटेगरी की बात करें, सारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जैसे आप अपॉइंटमेंट देख रहे हो, आप दिल्ली की आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आप दूसरी सिटी में भी जाके अपनी फाइल सबमिट करा सकते हो, और आपको पता है 100% डोमेस्टिक फ्लाइटें चल रही है गाइस, तो आप देख लो आपको न्यू दिल्ली की नहीं मिल रही, आप बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, कोची और बहुत सारी सिटी में जो स्लॉट उनके अपॉइंटमेंट के मिल रहे हैं, तो वहां पे भी जाके अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हो और वहां पे भी अपनी फाइल सबमिट करा सकते हो, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो गाइस। बाकी नेक्स्ट बात करेंगे आइसलैंड की, तो आइसलैंड ने भी बोल दिया आपने कोविशील्ड के दोनों डोज लगवा रखे है तो आप उसका वीजा अप्लाई कर सकते हो, न्यू दिल्ली से लेके बहुत सारी सिटी में अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है, आपने आइसलैंड जाना है तो गाइस। और नेक्स्ट बात करेंगे जर्मन के लिए, तो जर्मन ने भी अपनी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया, पहले एम्बेसी से आपको अप्रूवल लेना पड़ता था, लेकिन अब फाइनली वीएफएस की आप वेबसाइट में जाओगे आपको स्लॉट ओपन मिलेगा गाइस, जर्मन का भी बिल्कुल सही सुना आपने, जर्मन ने भी ऑल कैटेगरी वीजा एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया, आप टूरिस्ट वीजा का स्लॉट देखोगे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा न्यू दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई में गाइस।
और बहुत सारी सिटीज में है, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसलिए शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी अप्लाई करते हैं पर्सन, और यहाँ पे आप कंप्रोमाइज कर लेते हो। जैसे अहमदाबाद वाले बॉम्बे चले जाते हैं, यार पंजाब वाले जलंधर, चंडीगढ़ वाले अमृतसर वाले दिल्ली में जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिशन करा देते हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट में सारी चीजें बता रहा हूँ कौन कौन सी बड़ी सिटी में अपनी एप्लीकेशन ले रहा है गाइस। तो ये सारी कंट्रियों की अपडेट आ गई है, आपका ड्रीम है शैनीगंज जाना है तो डेफिनेटली अब आप जा सकते हो। और अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा जो सी कंट्रीज बची है शैनीगंज की, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देगी, विद इन 1 वीक से 2 वीक के अंदर आपको अपडेट आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पर्सन वेट कर रहे थे। और साथ में इटली के लिए मैं बता देता हूँ, इटली ने भी लिमिटेड कैटेगरी डी कैटेगरी अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रहा है, आप ऑनलाइन उनकी अपॉइंटमेंट के स्लॉट देखोगे तो मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो कंट्री है डी कैटेगरी की उसके भी अपॉइंटमेंट के स्लॉट मिल रहे हैं। मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा 26 कंट्री में डी कैटेगरी मतलब लॉन्ग कैटेगरी, स्टूडेंट वीजा की बात करें, वर्क वीजा की बात करें, स्पाउस केस की बात करें, फैमिली वीजा की बात करें, कौन कौन सी एप्लीकेशन ओपन हुई है, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा डी और सी कैटेगरी के लिए। अभी ये सारी अपडेट थी, डी कैटेगरी भी ओपन है और सी कैटेगरी तो फाइनली उन्होंने स्टार्ट कर दिया टूरिस्ट वीजे के लिए गाइस। और बाकी आपको डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो जस्सी पंजाबी को आप कॉन्टेक्ट कर लेना। तो कुछ कंट्री ने अपडेट दिया, वैक्सीन लगाई आपने दोनों डोज तो हमारा वीजा अप्लाई कर सकते हो, और कुछ ने का वैक्सीन नहीं लगाई तो आप ट्रेवल के टाइम पे आपको वैक्सीन लगाना जरूरी है, वीजा अप्लाई कर सकते हो गाइज। सारी कंट्रियों की अपडेट आ गई है गाइज। अब फाइनली बहुत सारे पर्सन जो 1.5 ईयर प्लस से वेट कर रहे थे शैनीगंज जाना था जिन्होंने, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी वो ट्रेवल कर पाएंगे, बस तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होनी चाहिए विद इन 48 आवर के बीच में, और साथ में कोविड शील्ड की वैक्सीन लगी होनी चाहिए गाइस, दोनों डोज लगे होने चाहिए, और सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए और पासपोर्ट नंबर उसमें चढ़ा होना चाहिए गाइस। अपने शैनीगंज का वीजा लगाना है और बाकी आने वाले टाइम पे आपको अपडेट मिल जाएगी। चेक रिपब्लिक की बात करें, माल्टा की बात करें, लेथोनिया की बात करें, लैथविया की बात करें और पुर्तगाल की बात करें, मैं मानता हूँ इन कंट्री का बहुत सारे पर्सन बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, विद इन 1 वीक से 2 वीक में जैसे आपको देखने में आया इतनी सारी कंट्री ओपन हो चुकी है शैनीगंज की, तो डेफिनेटली इनको भी बहुत जल्दी खोलना पड़ेगा गाइस। और मैं आपको बता रहे तो ये जो कंट्री ओपन है तो सारी शैनीगंज कंट्री में आती है गाइस, तो अभी आप देख लो कौन कौन सी शैनीगंज कंट्री ने टूरिस्ट वीजे के लिए अपने इंटरनेशनल बॉर्डर खोल दिया है। आपके पास किसी भी एक कंट्री का वीजा तो वहां से आप दूसरी कंट्री जा सकते हो, लेकिन कोविड के सर्टिफिकेट होने चाहिए दोनों गाइस। और बाकी आपको डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग जैसे अभी ITR भरी जा रही है और आप छोटा बिजनेस करते हो तो उसका आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, MSME सर्टिफिकेट आ रहा हो, अपनी GST नहीं अप्लाई करते तो GST भी अप्लाई कर सकते हो, और आप जॉब कर रहे हो तो अपनी कंपनी से NOC लेटर लेनी हो, 6 मंथ की सैलरी स्लिप लेनी है और मिनिमम 1 लाख प्लस आपका बैलेंस होना चाहिए बैंक अकाउंट में, आपने शैनीगंज का वीजा अप्लाई करना है तो गाइस मिनिमम इतना चाहिए और मैक्सिमम जितना ज्यादा आप बैलेंस करोगे तो उतना आपके लिए प्लस पॉइंट है गाइस। तो होपफुली मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो जस्सी पंजाबी के चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को जरूर क्लिक कर देना जिससे कि डेली बेस में आपको अपडेट मिलती रहेगी गाइस। तो अभी के लिए तो इजाजत, सत श्री अकाल।